सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हर्षित शर्मा टेक्निकल म्यूजिक। आज हम बात करेंगे फ्रेंड फ्रेस पैड के बारे में, सारी चीजें सीखेंगे। फ्रेस पैड में क्या होता है, फ्रेस पैड के लूप्स को कंटिन्यूसली प्ले कैसे करना है, कॉर्ड्स में कैसे लाना है, उसकी मेजर और बीट कैसे रखनी है। तो इसके बहुत सारे डाउट है फ्रेस पैड के। एक नया फंक्शन आया है इस कीबोर्ड के अंदर, तो सभी के लिए न्यू है। जिन्होंने कर रखी है सेटिंग वेल एंड गुड, बट मेरा काम है ट्यूटोरियल्स डालना, आपको गाइड करना। तो चलिए, अक्सर क्या होता है फ्रेंड, लूप कंटिन्यूसली प्ले नहीं होता, उसका डाउट कंप्लीट करेंगे। लूप्स मेजर में नहीं आते, मींस पहला वाला मैंने प्ले करा लूप, अगर मैं सेकंड वाला प्ले करूंगा तो दोनों मिसमैच होंगे आपस में, कुछ कहीं बज रहा है तो कहीं कच बज रहा है, तो दोनों अलग अलग प्ले होते हैं। कोई मतलब कि जैसे मैंने ये प्ले कर दिया पहला वाला, और जब मैं सेकंड वाला प्ले करूंगा तो उसमें मिक्स हो जाएगा, दोनों एक बीट पे नहीं चलेंगे, एक मेजर में नहीं चलेंगे। बात मेरी समझने की कोशिश कीजिए। अब मेजर चलते हैं, जैसे 1 2 3 4। तो इस कैसियो में हमें इतनी अच्छी सेटिंग मिली है कि इसके मेजर हम ऑटोमेटिकली सेटिंग के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपने एक सेटिंग चेंज करनी है, उसके थ्रू आपके मेजर अपने आप कंट्रोल में आएंगे। देख लीजिए मेरे कैसे आ रहे हैं, जैसे मैं यहां स्टार्ट करता हूं, कंटिन्यूसली प्ले हो रहा है। आपने देखा होगा मैं फोर पहले प्रेस करा तो वो फोर बाद में प्ले हुआ, क्योंकि वो मेजर काउंट कर रहा था, 1 2 3 4 मेजर चल रहा था। जब मैं उसको थर्ड वाले मेजर पे करता हूं तो वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाले मेजर पे प्ले होगा, आगे वाले के बीच में नहीं प्ले होगा, क्योंकि ये मैंने सेटिंग करी हुई है। तो काफी अच्छा कोई सॉन्ग प्ले कर सकते हैं इसके ऊपर आप, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल। इसके लिए फ्रेंड्स आप एकॉम्प ऑन करिए, अगर आपने कोर्ड चेंज करने हैं एकॉम्प यहां से ऑन कर दीजिए, फिर देखिए इसका कमाल। तो ये चीज काफी अच्छी चीज है फ्रेंड। चलिए अब हम सीखते हैं इसकी गाइडेंस। रिकॉर्ड करना आज नहीं सीखेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, जस्ट मैं आपको यहां गाइड कर रहा हूं कि फ्रेस पैड को यूज कैसे करना है। तो चलिए मैं स्क्रीन को कर रहा हूं जूम। सो आई होप फ्रेंड्स आपको स्क्रीन क्लियरली विजिबल होगी। तो चलिए सबसे पहले क्या काम करना है, हमने जाना है फंक्शन को प्रेस करा हमने। फंक्शन को प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसके बाद क्या करेंगे, फंक्शन में गए, फिर 3 नंबर से आगे जाएंगे, वहां पे आता है फ्रेस पैड का ऑप्शन। फ्रेस पैड का ऑप्शन में हम करेंगे एंटर, क्योंकि हमें सेटिंग ठीक करनी है, हमने यहां करा एंटर। देखिए यहां पे फ्रेस सेट दिखा रहा है जिसमें हम अपने फ्रेस रिकॉर्ड करके रखेंगे, इसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना है यहाँ पे फ्रेस सेट को। फ्रेस सेट को आप यहाँ पे बात कर ही नहीं रहे हैं, हम करें पैड की। तो आप क्या कीजिए, यहां पे आने के बाद 3 नंबर को प्रेस करें, 3 नंबर को प्रेस करने के बाद आपके पैड्स आ जाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे पैड अलग अलग तरीके से आएंगे आपके, कैसे कैसे आएंगे देखिए। तो यहां से पैड 1 दिखा रहा है, और जब मैं 3 प्रेस करूंगा तो यहाँ पैड 2 दिखाएगा, तो पैड 3 पैड 4, यहाँ 4 पैड दिए हुए हैं। तो यहाँ 3 नंबर से आप पैड अपने आगे पीछे कर सकते हैं। अब पैड के अंदर की सेटिंग्स क्या है देखिए, पैड वन में एंटर पूछ रहा है, तो हमने करा एंटर। लूप ऑन ऑफ, देखो लूप को यहां मैंने करा ऑफ, बच के खत्म हो गया 4 मेजर की, 1 2 3 4 में खत्म हो गया। अब मैं करता हूं लूप ऑन, अब ये कॉन्टिन्यूसली बजेगा। एक तो ये चीज, इसका डाउट क्लियर हुआ हमारा। उसके आगे आगे चलते हैं, की शिफ्ट को अभी रहने दीजिए, इसका कोई ज्यादा यूज नहीं आएगा हमारा। टाइम सिंकिंग में देखो, टाइम सिंकिंग में इसको रखो 3 मेजर। सबसे मेन चीज, मेरा कैसे सीक्वेंस ही चल रहा था, इसलिए चल रहा था क्योंकि मैंने इसको 3 मेजर पे रखा है। तो आप भी यहां पे टाइम सिंकिंग इसी करो, 3 मेजर, हर एक पैड की हम 3 मेजर रखेंगे ताकि सब एक उसमें चले सीक्वेंस में। कॉर्ड सिंक यहां पे ऑफ ऑन, अगर आप कॉर्ड सिंक ऑन रखोगे तभी आप यहां से कॉर्ड लगा पाओगे, वरना आप कॉर्ड नहीं लगा पाओगे। ये चीज इसको ऑन रखे, और इसमें और कुछ ज्यादा खास है नहीं फ्रेंड, इतना था। टाइम सिंकिंग ऑन रखा हमने, ये चीज रखी कॉर्ड सिंक, बस ये चीज। यहां से हम आ गए एग्जिट, और उसके बाद सेम यही चीज करेंगे पैड 2 के अंदर। पैड 2 के अंदर हमने एंटर करा, लूप रखा इसका ऑन, और की शिफ्ट वही रखी 0, टाइम सिंकिंग रख दिया हमने इसका 3, अलग अलग आएंगे तो हमने रखा इसका 3, और कॉर्ड सिंक इसका हमने रखा ऑन यहां पर। जस्ट ये सेटिंग करी, ब्रेक पॉइंट हमने छेड़ना नहीं है, लूप ऑफ, लूप ऑन रखा, जैसे एग्जिट आ जाओ।
सारे पैड को आप फ्रेंड ऐसे करोगे, पैड वन को हमने ऐसे करा, पैड टू को भी ऐसे ही करा, अब पैड थ्री और पैड फोर को भी ऐसे ही करा, तो क्या रिजल्ट निकला? ये यहां से हमारा ऐसे ऑफ हो गया। अब देखिए आपने क्या फ्रेंड्स, एक चीज बिल्कुल ध्यान से देखना, आपने फर्स्ट वाला चलाया, आपने सेकंड चला दिया, थर्ड चला दिया, अब मेरे को सेकंड ऑफ करना है, फर्स्ट और थर्ड चलाना है, उसके लिए क्या करें? तो पहले तीनों चला दो, ये देखो तीनों चले, समझ आया मैंने क्या करा? जब तीनों चल रहे थे, जिसको मेरे को ऑफ करना है तो स्टॉप को प्रेस करके रखो, और जो सा आपने ऑफ करना है उस पर आप इसको प्रेस करके रखा और उसको आप प्रेस कर दो, जो था आपने स्टॉप करना है, तो वो आपका वहां से फ्रेज पैड स्टॉप हो जाएगा सिंपली। अब चलिए जैसे मैंने थर्ड को, मुझे बेस नहीं चाहिए अपने ट्रैक में, सिंपल चाहिए, तो मैं थर्ड देके क्या करूंगा, ये चीज चली, अब बेस ऑफ करनी है, ये देखो ये चीज, ये और पूरा ऑफ करना है तो इसको यहां से आप स्टॉप कर दो। ये हमारी कुछ फ्रेज पैड्स की फ्रेंड सेटिंग, तो और कुछ ज्यादा खास फ्रेज पैड के अंदर है नहीं, ये चीज थी, क्योंकि लूप लोगों के प्ले नहीं हो रहे थे, डाउट आ रहा था फ्रेज पैड के ऊपर, तो ये मुझे लगता है कि मैंने सारा आपका डाउट क्लियर कर दिया है फ्रेज पैड का, और अब आगे सीखेंगे अपने फ्रेज पैड कैसे बनाए खुद के, काफी अच्छी वेरिएशन है फ्रेंड, अपने खुद के फ्रेज पैड बना सकते हो और अपने अलग अलग वेरिएशन दे सकते हो इसके अंदर आप, बहुत अच्छा वर्क करता है फ्रेज पैड। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा फ्रेज पैड की फंक्शनिंग के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करके बताना कैसा लगा ट्यूटोरियल। Thanks for watching.